गुड इवनिंग दोस्तों सभी को, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित हम एमसीक्यू कराने वाले हैं। लाइव वाला जो क्लास था वह मेरा जो झारखंड का जनजाति विद्रोह चल रहा था वो टॉपिक समाप्त हो गया है, ठीक है ना। अब अगले टॉपिक हम कल से जो है स्टार्ट करेंगे अपने टाइम पे, 8 से 9 चलता है उसी टाइम में, ठीक है ना। झारखंड के इतिहास से संबंधित ही टॉपिक हम कराएंगे। आज आपके लिए हम लाए हैं कुछ प्रागैतिक ऐतिहासिक, हम उसके बारे में समझेंगे एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। हम उसे कहते हैं जिसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, बात समझ गए, उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और उसी संबंधित हम लोग प्रश्न लाए हैं तो देखेंगे। झारखंड के संबंध पूछा गया, कौन सा कथन इसमें से गलत है, असत्य का मतलब क्या होता है, गलत हो, तो उसी को हम लोग छांटना है। आइए छांटते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ के वनों में आदिम जनजाति का निवास था, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह और चेर तथा रक्षेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया, ये भी राइट है। लंबे समय तक यह क्षेत्र पहाड़ी दुनिया से कटा हुआ था, यह जो आपका ऑप्शन है दिस इज राइट। बट ऑप्शन में पूछा गया था आपका कौन इनमें से असत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड डी क्या कह रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल में छोटा नागपुर जो क्षेत्र था यह घनघोर वनों से आच्छादित था, यही ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, सब लोग लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट बिल्कुल आप लोग नहीं कर रहे हैं। और बात यह है कि जीएस का जो बैच है, जीएस का बैच यह आपका मेरा लॉन्च हो गया है, ठीक है। जीएस बैच का जो प्राइस रखा गया है वह मात्र 51 रुपीज है, ठीक है, जो सभी को लेना है, जो 51 रुपीज है मात्र, बहुत कम फी है। और जीएस में अभी हम जो पढ़ाएंगे वह बायोलॉजी टॉपिक वहां पे रखेंगे, टाइम का शेड्यूल बता देंगे, आपको चला जाएगा नोटिफिकेशन पहले, अभी आपको ठीक है ना बैच को परचेज कर लीजिए और उसका जस्ट ही जल्द ही उसका टाइम बता देंगे कितना बजे लाइव होगा जीएस बैच के लिए, तो सब लोग ले लेंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे यहाँ पे। झारखंड राज्य के प्राचीनतम पूछा गया है जनजाति कौन सा है, कौन सा झारखंड में सबसे जो कह सकते हैं पुराने या सबसे प्राचीन जनजाति है, वह आपका आंसर क्या हो जाएगा, असुर, ठीक है, असुर जो है सबसे प्राचीन जनजाति है। नेक्स्ट आइए, कांस्य युगीन औजार का प्रारंभ करता किस जनजाति को माना जाता है, असुर, हो, मुंडा या उराव। तो जैसे ही कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता अगर बात किया जाएगा तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, असुर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक, प्राचीनतम जनजाति असुर, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखना कांस्य युगीन औजार का भी प्रयोग किया था असुर ने। झारखंड में जो ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु पूछा गया था वह कौन है, पहला ऑप्शन है पलामू, सिंहभूम, लोहरदगा या धनबाद। तो ताम्र पाषाण काल का जो केंद्र बिंदु है वह क्या हो जाएगा, सिंहभूम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब सुनिएगा, ताम्र पाषाण युग किसको कहते हैं, जिसमें तांबे का कुछ साक्ष्य मिला हो, ठीक है, तांबे का खोज किया गया इसलिए नाम दिया गया ताम्र पाषाण काल। और एक होता है पाषाण काल, पाषाण काल का जो खोज किया था वो किया था सर रॉबर्ट ब्रूक्स, ठीक है। तो अगर बात करते हैं पाषाण काल का, पाषाण काल का जो खोज किया गया वह सन 1863 में किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान देना सर रॉबर्ट, ठीक है ना, ब्रूट, ये जो है यहाँ पे इनका पाषाण काल का खोज किया गया, याद रखेंगे। और पाषाण काल जो होता है वह तीन का वर्गीकृत किया जाएगा, एक तो होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल, ठीक है, याद रखेंगे। नव पाषाण काल में क्या होता था, पहिए का आविष्कार किया गया है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, ठीक है ना, जितना भी कहने का मतलब जो चित्रकारी वगैरह यहाँ पे प्रयोग किया गया था, जैसे भीमबेटका का मध्य प्रदेश में गुफा वहां से मिला था। नव पाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में
कितने हस्त कठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं ये बताना है, ठीक है ना। 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार जो छोटा नागपुर प्रदेश में पाया गया वह आंसर क्या हो जाएगा, 12 ही। नेक्स्ट आइए, झारखंड किस स्थान से तांबे का 49 खानों का अवशेष, ठीक है ना, उन अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध है ताम्रपाषाण काल से, इसका संबंध किससे है ताम्रपाषाण काल से। पहला ऑप्शन है सिंहभूम, दूसरा वीरभूम, तीसरा विल किशनगंज और चौथा बारह गंडा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 गंडा। जो आपको 49 खानों का अवशेष मिला है आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 गंडा। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ का अवशेष प्राप्त हुआ, ठीक, क्या पूछा गया है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ का स्थान प्राप्त हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है बारूडी, दूसरा है नामकुम, तीसरा है दुमदुमा और चौथा है सीतागढ़ा पहाड़। सब लोग बताएंगे झारखंड किस स्थान से बौद्ध मठ का प्राप्त हुआ है, पारूडी, नामकुम, दुमदुमा या सीतागढ़ा, सब लोग बताएंगे। तो यहाँ पे आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सीतागढ़ा पहाड़। और सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ है, वह है हजारीबाग में, कहाँ पे है, हजारीबाग में। अगले प्रश्न आइए, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव का पुरातात्विक काल का चित्र प्राप्त हुआ है, वह है दूध पानी, इसको भावनाथपुर या वेणुसागर। तो यहाँ बात किया गया नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान, ठीक है ना, और अंतरिक्ष मानव का पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बताना है, कहाँ से ये साक्ष्य मिला है, कहाँ से इसका साक्ष्य मिला ये बताएं ना सब लोग, ठीक है ना, दूध पानी, इसको, भावनाथपुर या वेणुसागर। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसको। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहाँ है, तो ये हजारीबाग में, कहाँ पे इसको, हजारीबाग में। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति को लोह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना गया है, तथा हो असुर तथा बिरजिया, असुर तथा हो या बिरजिया तथा मुंडा। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, असुर तथा बिरजिया। असुर और बिरजिया झारखंड के लोह युगीन जो आपका जनजाति है औजार का प्रयोग किया था। किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है, वह हो जाएगा बोनगरा, दुमका, वेणुसागर या बारूडी। 7वीं शताब्दी जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है वो बताना आपको सब लोगों को। किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुआ वो बताना आपको, ठीक है ना। तो वेणुसागर, दुमका, बोनगरा, दुमका, वेणुसागर या बारूडी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वेणुसागर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करना सभी को और लाइक करना, लाइक ठोकना सभी को, ठीक है ना। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक बटन प्रेस करना है। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल और जो जीएस का बैच है वह बैच सभी को लेना है, ज्यादा फी नहीं है, मात्र 51 रुपया पे करना है। और जीएस जो होगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़ाएंगे, अभी आपको बायोलॉजी के लिए वो देना है आपको और पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण ऐसा पशुओं के लिए चित्र है, क्या हो जाएगा आंसर, तो मेदिनीनगर, भावनाथपुर, दुमदुमा या छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका भावनाथपुर, और भावनाथपुर कहाँ पड़ता है, तो गढ़वा में। मजा आ रहा होगा, सेशन को लाइक करना है, कमेंट जरूर कीजिए कि आपका जो सीरीज जो मेरा चल रहा है, और हाँ झारखंड का एग्जाम का डेट जो सीजीएल वाला है वो आपको कहने का मतलब इस महीने के आसपास में आ जाएगा, आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखें। झारखंड में किस काल का सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या नव पुरा पाषाण काल, कौन सा होगा। झारखंड में किस जिले का, किस काल का सबसे प्राचीन अवशेष पूछा गया है,
सब लोग बताएंगे किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ यहाँ पे। बहुत आसान प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्व पुरापाषाण काल। देखिएगा पूर्व पुरापाषाण काल जो है सबसे पहले झारखंड में, ठीक है ना, यही प्राचीन अवशेष यहाँ मिला था। किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुआ है? ठीक है, चारीबाग, पलामू, देवघर या सिंहभूम, जल्दी से बताएंगे। पूछा गया है निर्मित पत्थर के औजार जो प्राप्त हुआ है वह कहां से प्राप्त हुआ है, कहां से औजार प्राप्त हुआ है, सब लोग बताएंगे। हजारीबाग, पलामू, देवघर या सिंहभूम, तो आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? हजारीबाग। हजारीबाग से पाषाण कालीन, इस बात को ध्यान देना पाषाण कालीन का बात किया गया है उस चीज पर डिपेंड करता है, ये तो गलत हो जाएगा। निम्न में कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं? ठीक, पहला जो है वह है खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र किया गया है, कब्रगाह का अवशेष है और शैल चित्र का दीर्घा। तो यहां से बताना सभी लोगों को कि इसको से प्राप्त नहीं हुआ है, इसको से प्राप्त नहीं हुआ है, सब लोग बताएंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे आंसर क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, जो बड़े पत्थर है और वहां पे जो भी मानव का जो चित्रित किया गया है उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है। कहाँ पे? तो हजारीबाग में जगह है इसको, वहां पे इसका किसी तरह का साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो लाइव वाले स्टूडेंट हैं हम उनको बता दिए मेरा टॉपिक समाप्त हो गया है। जनजाति से एमसीक्यू हम करा देंगे आपको, हम यूट्यूब पर, और आपको भी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और जो न्यू टॉपिक है वो कल से अपने टाइम 8 बजे जो चलता है नाइट में क्लास, वो आपका प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, झारखंड के निम्न में किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है भावनाथपुर, गारू, पद्मा या साक्षी। क्या आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा भावनाथपुर। और भावनाथपुर कहाँ पड़ता है? गढ़वा जिला में। आगे बात करते हैं हम लोग, झारखंड के निम्न में किस स्थान से कब्रगाह का अवशेष प्राप्त हुआ है? पहला इसको लूपगंडी, ठीक है, महुआटांड या नामकुम। कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुआ वो बताना आपको कहां से प्राप्त हुआ है, सब लोग बताएंगे। तो ये आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो लूपगंडी। लूपगंडी झारखंड के किस स्थान से कब्रगाह का प्राप्त हुआ है, तो वह हो जाएगा आपका लूपगंडी। और आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो भी वीडियो में एडवर्टाइजमेंट आता है उसको स्किप प्लीज ना, उसको देखें, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा मुझे फायदा है। आपको इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है 5 सेकंड वाला तो जरूर एक बार देखें, ठीक। और आपसे इसके लिए कोई आपको फी भी नहीं मांग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, झारखंड जीएस का जो बैच लॉन्च किया हम 51 रुपया मात्र जरूर से उसको ले लेंगे। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? रांची, लातेहार, लोहरदगा या चतरा, जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। कांसे का प्याला का बात किया गया है वह कहां से प्राप्त हुआ है, हम लोग बताएंगे। कांसे का प्याला जो प्राप्त हुआ कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोहरदगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सब लोग अटेम्प्ट लेंगे, एक बार अटेम्प्ट लेंगे हम, इसलिए आपको 2 से 4 सेकंड टाइम भी दे रहे हैं। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांड के अवशेष, पत्थर के मन के कुल्हाड़ी, पत्थर के मन के कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है, बोनगरा, बानाघाट, दुमदुमा या चाईबासा, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न भी जबरदस्त है, सब लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे दो ऑप्शन में बहुत आप फंसेंगे, एक तो बोनगारा की बानाघाट, क्या ऑप्शन मारे हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर जो होगा आपका राइट आंसर होगा बोनगारा। क्या था प्रश्न, हस्त निर्मित मृद भांड, ठीक है, उसका अवशेष, पत्थर का मन के और कुल्हाड़ी, ये सब प्राप्त हुआ दोस्त।
सब लोग, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए आप लोग, और कमेंट तो बिल्कुल आज करना है सभी को, ठीक है। कमेंट नहीं आ रहा है, इनमें से किस स्थान से मिट्टी का दीवार, मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार, और तांबे के औजार प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन दुमदमा, इटखोरी, पद्मा या पांडु, क्या होगा? जल्दी से सब ऑप्शन पर टिपेंगे, क्या आंसर? मिट्टी का दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त कहां से हुआ है? सब लोग बताएंगे। क्या होगा आंसर इसमें? चारों में से बताना है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पांडु। पांडु से प्राप्त हुआ था मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश और तांबे। आगे प्रश्न आते हम लोग, झारखंड किस स्थान से चार पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित है? जबरदस्त प्रश्न आया है, सब लोग बताएंगे। चार पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है और पटना संग्रहालय में वह सुरक्षित है, क्या आंसर हो जाएगा? सब लोग बताएंगे यहां से। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ पाकी, सेकेंड पांडु, तीसरा इसको, चौथा बरवाड़ी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा पांडु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और कमेंट कीजिए जल्दी से। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? दुमदुमा, इसको, लूपगढ़ी या बेनुसागर, बताइए। आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त कहां से हुआ है? सब लोग मारेंगे आंसर, क्या होगा आंसर? दुमदुमा, इसको, लूपगढ़ी या बेनुसागर, यहां पे आंसर हो जाएगा आपका इसको, आंसर क्या हो जाएगा? इसको, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एग्जामिनेशन अभी आज का जो नोटिफिकेशन आया है वह एग्जामिनेशन को पोस्टपोन्ड किया गया है, तो जल्द ही जैसे आंसू लिपिक या जो जो सिपाही उत्पाद था, शायद कुछ कुछ है फॉर्म है, हम नोटिफिकेशन हो सकता है कल हम आपको डाल देंगे कि कौन कौन सा एग्जाम कैंसिल हुआ है झारखंड में, ठीक है ना। तो आप घबराए नहीं, जल्दी डेट आ जाएगा तो फिर आपका तैयारी वहां पे अगर नॉर्मल हो जाएगा या कम हो जाएगा फिर आपको मजा नहीं आएगा, आपको अपने तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और कमेंट करके बताना है कि तैयारी सर कंटिन्यू रखना है, फिर हम वीडियो डालेंगे, और आप लोग अगर स्थिर हो जाएंगे तो वीडियो नहीं डालेंगे, तो ये चीज आप लोग कहिए आज कमेंट करके कि क्या करना है। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ? लातेहार, लोहरदगा, चतरा या गुमला, क्या पूछा गया है? कांसे का प्याला कहां से प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला पूछा गया है, ऑप्शन तो दिया हुआ है, लातेहार होगा, लोहरदगा होगा, चतरा होगा या गुमला होगा, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। नेक्स्ट आइए, रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण का फलक प्राप्त हुआ है? कांके, नामकुम, हटिया या रातू, ठीक है ना। तांबे व लोहे का औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है आंसर, ठीक है ना। सब लोग आंसर ये बताना है, क्या होगा? कांके, नामकुम, हटिया या रातू, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो वह हो जाएगा नामकुम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आइए, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके, ठीक है, कब्रगाह के अंदर तांबे का आभूषण, पत्थर के मनके प्राप्त हुआ है? बेनुसागर, दूध पानी, लूपगढ़ी, दुंदमा, खूब फंसाता है चार ऑप्शन, हर एग्जाम में इस तरह प्रश्न एक आपको एक से दो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, मिलता ही है, याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा? लूपगढ़ी, ऑप्शन नंबर आपको सी दिखेगा इसका, आपको सी मारना है। आपको ये सीरीज कंटिन्यू हमें रखना चाहिए या नहीं आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे का 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुआ है? दूध पानी, बारह गंडा, इसको या दुमदुमा, सब लोग बताएंगे। 49 खानों का अवशेष के बारे में पूछा गया है, क्या आंसर होगा? बताएंगे सब लोग, 49 खानों के बारे में बताया गया है, पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा? तो बाहर बाहर गंडा, क्या हो जाएगा? बाहर गंडा। झारखंड राज्य के किस स्थान से भगवान बुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुआ है?
पाला, लातेहार का पलामू किला, हजारीबाग का परमा, गुमला का अंजन धाम या दुमका का मलुटी, क्या आंसर हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे। ये जबरदस्त प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा करता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा लातेहार का पलामू किला ऑप्शन नंबर एक। तो आज का जो मेरा प्रश्न रहा प्राग ऐतिहासिक काल का, टोटल 26 एमसीक्यू कराए और सारा प्रश्न एक से एक है, ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछता है। और आपको क्या बताए, डीएस का जो बैच है वह लॉन्च हो चुका है, आपको एप्लीकेशन पर दिख जाएगा अमाउंट कितना है, तो मात्र 51 रुपया, ठीक है, मात्र 51 रुपीज देना है। पूरा आपको 45 दिन, डेढ़ महीना का क्लास होगा, लाइव क्लास चलेगा, पीडीएफ दिया जाएगा, सारे चीज बताया जाएगा, जरूर से परचेज कर लेंगे, लेट ना करें। ओके, सभी को गुड नाइट।